पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के न सिर्फ नतीजे सामने आए बल्कि नतीजों के पीछे से एक राजनीतिक संदेश भी सामने आ रहा है जो आम आदमी पार्टी के लिए शुभ संकेत है तो बाकी विपक्ष के साथ ही साथ बीजेपी के लिए एक कड़वी सच्चाई। जिस तरीके से पंजाब में आपकी झाड़ू के सामने कांग्रेस समेत तमाम दल साफ हो गए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने गोवा में अपना खाता खोला और जिस तरह से आपकी नजर अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव पर है वो ये बताने के लिए काफी है कि अब देश भर में विपक्ष के लिए सावधान होने का वक्त आ गया है। आम आदमी पार्टी अब तक दिल्ली मॉडल को अपना हथियार बनाती थी लेकिन अब उसके हाथ पंजाब की कमान भी लग गई है। सवाल है कि क्या अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश में है? क्या आम आदमी पार्टी से विपक्षी दलों को वाकई सावधान होने की जरूरत है? इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सर जमी को महबूब बना लिया जाए। मैं भगवंत मान ईश्वर की सहुं चुकदा हां कि मैं कानून द्वारा स्थापित ऐतिहासिक और अप्रत्याशित जीत हासिल करने के बाद आज से पंजाब की कमान भगवंत मान को मिल गई। भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में हजारों लोगों की मौजूदगी में धूरी से आम आदमी पार्टी के विधायक भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ के बाद बतौर मुख्यमंत्री अपना पहला संबोधन दिया और अंत भी एक शेर के साथ किया। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। पंजाब में मान राज का शुभारंभ तो हो गया है लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हरा कर किया है। सवाल है कि क्या पंजाब के अलावा आम आदमी पार्टी देश के दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस की जमीन और वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है? सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस की जगह लेकर सबसे बड़े विपक्ष की जगह लेने की कोशिश में है? राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बनी है। मेरा अपना मानना है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प बनेगी, यानी कि नेशनल और नेचुरल अल्टरनेटिव बनके उभरेगी। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी भाजपा के प्रिंसिपल चैलेंजर बनके आगे आएंगे, ये मेरा विश्वास है। पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने गहरी सियासी और चुनावी चोट पहुंचाई है। ताजा पंजाब विधानसभा चुनाव में कुल 117 सीटों में से 92 सीटों पर आपने जीत हासिल की जबकि कांग्रेस को सिर्फ 18 सीटों पर संतोष करना पड़ा और सरकार गंवानी पड़ी। आम आदमी पार्टी को 72 सीटों का फायदा हुआ जबकि कांग्रेस को 59 सीटों का घाटा। और तो और करारी हार के बाद पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को अपने पद से आज त्याग पत्र तक देना पड़ा। मतलब जो सिद्धू 10 मार्च के पहले तक आपको बात बात पर कोसते थे आज उसी आप की वजह से अपनी कुर्सी को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। सिर्फ पंजाब ही नहीं गोवा चुनाव में भी आपने ताकत दिखाई और 40 में से 2 सीटें जीतकर पहली बार अपना खाता खोला और उसे 2017 के मुकाबले 2 सीटों का फायदा हुआ। जबकि कांग्रेस ने बेशक 11 सीटें जीती लेकिन उसे 2017 के मुकाबले 6 सीटों का नुकसान हुआ। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में भी दावेदारी पेश की। इतना ही नहीं अब आपका अगला मिशन इस साल के अंत में होने वाले हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का विकल्प इसलिए भी माना जाने लगा है क्योंकि कम से कम दिल्ली में तो आपने कांग्रेस को पिछले 3 विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार दी है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कम समय में ही लेकिन तेजी से देश के सियासी मानचित्र पर अपने पैर पसार रही है, कहना गलत नहीं होगा कि न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि बीजेपी को भी अपनी राजनीतिक रणनीति में इसके मद्देनजर बदलाव और मंथन करना होगा। सतेंद्र चौहान और कमलजीत संधू के साथ आशुतोष मिश्रा, खटकड़ कलां, पंजाब आज तक।